एक और नया दिन, एक और नई कहानी। आज दिनांक 16 दिसंबर 2022, और जो आज का दिन शुरू हो गया था वो मेरे हॉस्टल रूम से शुरू हो गया था, पर वहाँ से मैंने वीडियो बनानी शुरू नहीं की। आज जो वीडियो बनाने की शुरुआत हो रही है वो मेरे भाई निखिल भाई के रूम से हो रही है। निखिल भाई पता नहीं क्या देख रहे हैं फ़ोन पर, और बोरा जी फ्लैश मार रहे हैं, अब हटा दिया उन्होंने फ्लैश, इनको फ्लैश मारने के लिए लगवाया है फ्लैश बॉय। फ्लैश दिखाओ भाई, कालापन आ रहा है यार भाई के चेहरे में। बाकी भोजन वोजन हो चुका है बढ़िया, चूना लगा ले, चूना हॉस्टल में था क्या चाहिए एरिया लगा ले, गोरा गोरा दिख रहे गोरा हैं। गोरा क्या भाई, चूना दिखा के अंधेरा आ रहा, लाइट फोकस नहीं हो पा रहा ना भाई के चेहरे में। बाकी भाई के रूम में आए इसलिए कि थोड़ा ग्रुप स्टडी कर लेंगे, ग्रुप डिस्कशन कर लेंगे कि हाउ डू स्टडी आउटबाउंड टूरिज्म, कैसे कैसे होता है सिस्टम। थोड़ा हार्ड है ये भी क्योंकि इस सेमेस्टर में थोड़ी सही से पढ़ाई नहीं हो पाई, टीचर अच्छा ही भी नहीं आए ना हम गए, फिर टीचर भी छोड़ छड़ गए जो थे पुराने वाले, जो अच्छे टीचर थे आए टीचर, थोड़ा उनके साथ हमारा बॉन्डिंग नहीं बन पा रही थी कैसा होता है सिस्टम, क्योंकि वो नया आए थे हम जाने वाले थे, तो ऐसा सीन है। बाकी पता नहीं क्या क्या होगा, बाकी पढ़ते हैं जैसे भी आज का दिन रहता आपको पता चले जाएगा, ठीक है ना। बाकी शुरू करते हैं गाइस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। केम छो मतलब मजा मा, फुल पावरफुल एंजॉय में, सब कुशल मंगल होनी चाहिए, सब बढ़िया होना चाहिए। बाकी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, पढ़ते हैं लिखते हैं कुछ करते हैं, क्योंकि कल पेपर है हमारा आउटबाउंड टूरिज्म का, फिर मिलते वो हैं। बहुत ज़्यादा हो गई है पढ़ाई अभी पढ़ाई करके निकले भाई के रूम से, हॉस्टल से, हॉस्टल से कह रहा हूँ, पीजी से, सामने अपना कॉलेज दिख रहा होगा। और बाकी अभी हम जा रहे हैं थोड़ा चाय वाय पीते हैं, थोड़ा देखते हैं स्नैक्स वगैरह लेते हैं, बढ़िया सिस्टम फाड़ते हैं, सिस्टम हैंग है एलिस भाई एलिस भाई सिस्टम हैंग है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में, क्या होता है क्या नहीं होता, सिस्टम फाड़ देंगे, बस सिलेंडर विलेंडर चोर लेते हैं भाई कुछ हो जाएगा काम पैसे वैसे का है, पैसा बहुत जरूरी है भाई, पैसा बहुत जरूरी है भाई, भेज दो अकाउंट में 2-3 लाख रुपए, कुछ हो जाएगा इसकी, इसके जमानत करवानी है कि इसने चोरी करी है, तो इसकी जमानत करवानी है, जेल जाने वाला भाई हमारा, ठीक है ना। 2-3 लाख रुपए अकाउंट में, गूगल पे नंबर, कोई अमीर आदमी देख रहा हो उससे विनती है जरा हम गरीबी के अकाउंट थोड़ा पैसा भेज दिया जाए। गूगल पे नंबर बताओ जल्दी जल्दी बताओ, 9456902222 टू टू, पूरा नहीं बताया जाएगा आपको, पूरा नहीं बताया जाएगा, दो आ रहे हैं इनके पेपर से, ये अपने भाई लोग आ रहे सामने दिखा रहे उनको, हाँ इनका पेपर था, ओ एक्सीडेंट हो जाएगा भाई, सिस्टम फाड़ दिया। दो जूनियर जंग लड़ के आ रहे हैं अभी, कैसे रहा पेपर, अच्छा पेपर रहा भाई, मजा आ गया इतना सेक्सी कैमरा, पेपर कैमरा देख के जो कैमरा देख के झूठ बोल रहा कैमरा देख के बोल रहा यार झूठ। और क्या हाल है, पेपर कैसा रहा, बढ़िया है, लो ना कील घुस गई है, वो कहाँ है, हाँ उधर नहीं बल्कि रूम पे मेरा सप्ली का रह रहा है, अच्छा सप्ली का, तेरी सप्ली फंसी हुई है, चल बढ़िया है, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। मूड हो चुका है खराब, सर ने दिए हमें खतरनाक नोट सन 1909 रुपए के 2009 के नोट है भाई, नहीं कौन कौन से मार्ट आ रहे, कौन कौन सा सिस्टम आ रहा है समझ ही नहीं आ रही है, क्या बोले भाई, करो मास्टर्स पहले, बैचलर्स करो फिर करो मास्टर्स, किसी भी कॉलेज में जाके लग जाओ भाई मिल जाएगी नौकरी 20,000 रुपये की, फिर वो दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे मत कहना अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, भले इग्नू से ही कर लो, इग्नू से बैचलर्स भी होती है, नहीं यार इग्नू से बैचलर्स करो, इग्नू से ही मास्टर्स करो, उसके बाद लग जाओ, नॉलेज ले लो थोड़ा, पढ़ लो हल्का फुल्का, इग्नू से पीएचडी कर लो, डीएल कर लो, और फिर लग जाओ टीचर प्रोफेसर लग जाओ, और क्या,
एचओडी भी लग सकते हो, कोई मिला ऐसे जहाँ पे कमी हुई एचओडी की, तो एचओडी भी मिल जाएगी। एचओडी भी लग जाओ, बढ़िया नज़ारे लो, नोट्स बनाओ अपने नोट्स और पढ़ाओ, बस थोड़ा बोलना वोलना आना चाहिए, लेकिन लग जाओ टीचर कोई चक्कर नहीं है भाई, जिंदगी ऐसी है, देख लिया सिस्टम क्या होता है। स्टूडेंट वाली फीलिंग ले लोगे, स्टूडेंट वाली फीलिंग्स ले लोगे, पता क्या होता है, बढ़िया है सीन भाई, कॉलेज मास्टर्स करो, कॉलेज में लग जाओ, पैसा कमाओ अपना, ज़्यादा सुबह 9 बजे से लेके 4-4:30 बजे तक कॉलेज में रहो, उसके बाद मज़े मारो, ये है टीचर की लाइफ। तो बढ़िया चल रहा, पढ़ाई चल रही है फुल पावर, वही देख रहे थे हम, दिमाग ख़राब हो गया नोट्स देख के, खराब ही हो रहा है कल से, बाकी चलो ठीक है, मिलते हैं आपको ना थोड़ी सी देर में, जब तक पीस आउट लो, मज़े लो, अभी जाएंगे थोड़ी देर बाद खाना खाने, समय हो रहा है अभी 6:40 और बाकी ठीक है, मिलते हैं। भोजन हो चुका है फुल पावर, और कल मुझे वार्डन ने स्पेशली बुला के एक मैसेज कन्वे करने के लिए कहा, आप लोगों को जो भी देखता है हॉस्टलर और कोई भी हो, और भी बंदा देखता है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा मैसेज है ये, डू नोट वेस्ट फूड, ठीक है ना, हॉस्टल में बंदे खाते हैं, खाओ यार, खाने के लिए आपने पे कर रखा है, फुल पावर खाओ, पर भाई कल की जो हालत थी क्या बताऊँ, इतना इतना भर के ले रखा था, पूरा भर के ले रखा है, और 20-25 रोटियां रख के ऐसे छोड़ दिया उस खाने को, खाओ भाई कोई दिक्कत नहीं है, खाने के लिए पे कर रहा है, थोड़ा प्रोफेशनल हो जाओ, थोड़ा एडिकेट लाओ, क्योंकि आप एजुकेशन तो ले रहे हो, एजुकेशन के साथ आप सामाजिक ज्ञान भी लो, थोड़ा पेशेंस लो, थोड़ा सीखो सिस्टम कैसे चलता है। कल वार्डन ने मुझे बुला के बोला कि ये मैसेज ज़रूर कन्वे करना, थोड़ा डिसिप्लिन से रहो, क्योंकि ये डिसिप्लिन वगैरह रहना बहुत ज़रूरी है, समझ गए। तो भाई हमें तो, हम बहुत लक्की हैं, हम अपने माँ बाप की वजह से बड़ी लक्की हैं, जो हमें इतना अच्छा स्टैंडर्ड मिल रहा है, खाना पीना रहना, हम अपने माता पिता का शुक्रगुजार हो सकते हैं, और बाकी जो और ऐसा अफोर्ड नहीं कर पाता, जैसे एक टाइम की रोटी नहीं मिल रही, उसका भी तो सोचो, सुरान साइड चले जाओ, वहाँ एक एक ब्रेड के लिए मर्डर हो जाते हैं, एक एक ब्रेड का पीस जो होता है ना उसके लिए मर्डर हो जाते हैं, हम तो इतना खाना वेस्ट कर रहे हैं, कहीं भी हो चाहे हॉस्टल में रहो घर पे रहो, खाना वेस्ट मत करो, अन्न वेस्ट मत करो, क्योंकि अन्न को पाने के लिए हमारे घर वालों ने बहुत मेहनत की है, हमने बहुत मेहनत की है, तो सेव द फूड, डू नॉट वेस्ट फूड, मैं तो इतना कहूँगा। मुझे वार्डन ने कहा बाकी आपकी इच्छा है, आपकी लाइफ है ना, जो मर्जी वो करो, बट मत करो, खाना वेस्ट मत करो, भले तुम लड़ाई झगड़ा हॉस्टल में तोड़ फोड़ कुछ भी करो, पर खाना वेस्ट मत करो, क्योंकि जो पहले पहले आते बंदे फुल पावर ले लेते हैं बंदे, और फिर उसके बाद वेस्ट करते, जो लास्ट जो बंदे आते फिर उन्हें बंदों को मिलता ही नहीं खाना, फिर आता है ये वो, समझ जाओ बातों को, फीलिंग को। बाकी आज का दिन आपने देख लिया कैसा रहा, पढ़ाई, अभी भी पढ़ाई करनी है, बाकी भोजन में था मशरूम्स, रोटी, चावल, स्प्रिंग रोल थे, बाकी चलो ठीक है, मिलते हैं आपको कल, जैसे भी आपको अच्छी वीडियो लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो, स्माइल करते रहो, एंजॉय करते रहो, मस्तियाँ करते रहो, नेचर को सेव करते रहो, ट्रीज लगाते रहो, एनवायरनमेंट क्लीन करते रहो, जय शंकर महाराज, पीस आउट।